देश में दंगे की आग से बचता हुआ नन्हा सूजा अपनी जान बचाने के लिए भागता चला जा रहा था। आज उसे शहर से ज्यादा बेहतर जंगल का रास्ता लग रहा था। वो भूखा प्यासा भागता रहा भागता रहा। जंगल में एक तालाब दिखाई पड़ा तो उसने अपनी प्यास बुझानी चाही, लेकिन एक चीते को पानी पीते देखकर उसके होश उड़ गए। वो धीरे से बुदबुदाया, बोला, हे भगवान, मुझे इस चीते से बचा लो, प्यास से भी जान जा रही है। वो झाड़ियों में छिपने लगा। कुछ आवाज हुई और चीते ने पानी पीकर उस तरफ देखा। सूजा उल्टे लेट गया था। चीता उसी तरफ आ रहा था और सूजा का दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी सांस रोके पड़ा रहा। एक बंदर ने चीते का ध्यान अपनी ओर खींचा और चीता उधर मुड़ गया। बंदर पेड़ों के ऊपर कूदता हुआ भाग गया और सूजा की जान बच गई। सूजा बोला, शहर में इंसान खून के प्यासे दिखाई पड़े, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। यहाँ जंगल में भी जान बचाना कितना मुश्किल है। मेरे बाबूजी, मेरी माँ। इतना कहकर सूजा रोने लगा। उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसे वो दर्दनाक भयानक मंजर याद आने लगा। पता नहीं मेरे बाबूजी और मेरी माँ का क्या हुआ होगा। कहीं उन गुंडों ने उन्हें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे माँ और बाबूजी के पास अभी जाना है। उसने तालाब से पानी पिया और फिर उठकर भागने लगा। उसे जंगल के रास्ते का पता नहीं था। वो भटक गया। भूख बढ़ती जा रही थी। कुछ पेड़ों पर फल थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पा सकता था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ चिड़ियों द्वारा खाए हुए और कुछ आधे सड़े गले फल दिखाई पड़े। भूख से व्याकुल सूजा ने झटपट उन्हें उठा लिया और खाने लगा। आज भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। वो बहुत थक चुका था तो उसे एक पहाड़ के पास गुफा दिखाई दी। वो गुफा के अंदर चला गया। वो बैठकर इधर उधर देखने लगा। अंदर रोशनी कम थी और उसे काली सी एक चीज दिखाई पड़ी। वो फिर से डर गया। उस काली चीज में हलचल हुई। सूजा ने ध्यान से देखा तो वो एक भालू था। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वो धीरे से बोला, भगवान मुझे बचा लो। इतने में भालू की करहाने की आवाज आई। वो दर्द से परेशान दिखाई पड़ा। सूजा का तो डर से बड़ा बुरा हाल था। भालू धीरे से उठा और सूजा के पास आने लगा। सूजा की सांसें तेज हो गई और उसने आंखें बंद कर ली। भालू ने धीरे से सूजा के सर पर हाथ फिराया और उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूजा ने आंख खोली तो देखा कि भालू सामने बैठा था और उसके पेट पर साही के कांटे गड़े हुए थे। वो कांटे ही उसके दर्द का कारण बने हुए थे। सूजा समझ गया कि भालू उससे मदद की अपेक्षा रखता है। उसकी हिम्मत बढ़ी और आगे बढ़कर उसने भालू के पीठ के कांटे निकाल दिए। सूजा बोला, भालू भाई, अब तो मैंने तुम्हारे शरीर के कांटे निकाल दिए हैं, मुझे काटोगे तो नहीं? भालू बोला, नहीं नहीं, तुमने तो मेरी सहायता की है, मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं कुछ खिलाता हूँ। भालू ने कुछ फल खिलाए और सूजा के पास बैठ गया। उसे सूजा बहुत भला लगा। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। वो भालू को कलप्पा कहकर बुलाने लगा। कलप्पा भी सूजा का पूरा ध्यान रखता था, उसके खाने का इंतजाम भी करता था। दोनों साथ साथ दौड़ते खेलते मौज मस्ती करते थे। एक दिन एक भेड़िया कलप्पा की गुफा के पास आ गया। उसने जब सूजा को देखा तो उसका मन ललचा गया। भेड़िया बोला, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद इंसान का बच्चा मिला है, आज तो अपनी किस्मत जाग गई। कलप्पा बोला, ए पागल भेड़िये, भाग जाओ यहाँ से, वरना तेरी किस्मत फूट जाएगी। भेड़िया बोला, अरे भालू भाई, तुम बीच में मत आओ, मेरा शिकार है, मैं लेकर जाऊंगा। भेड़िया तेजी से सूजा की तरफ बढ़ा। कलप्पा तेजी से भेड़िये के ऊपर टूट पड़ा और पिटाई शुरू कर दी। मार मार कर भेड़िये का बुरा हाल कर दिया। भेड़िया गिरता पड़ता भाग खड़ा हुआ। किसी की क्या मजाल जो मेरे दोस्त को छू भी सके। सूजा, तुम मत डरना और हमेशा मेरे साथ रहना। एक दिन सूजा को अपने घर की बहुत याद आ रही थी। सूजा बोला, कलप्पा, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। मैं शहर में रहता था, वहाँ बड़ा दंगा हुआ,
मेरे बाबूजी और मेरी माँ दंगे में फंस गए। मैं जंगल में भाग गया। अब मुझे मेरे घर जाना है। माँ और बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत है। डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। मैं तुम्हें जंगल की सीमा पर छोड़ दूंगा। शहर में नहीं आ पाऊंगा। चलो तैयार हो जाओ, ठीक है? सुजा ने हामी से सिर हिलाया और कलप्पा के साथ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में कलप्पा ने सुजा को फल खिलाया। कुछ देर के बाद वो दोनों जंगल की सीमा पर पहुंच चुके थे। अब जुदाई का समय आ गया। सुजा की आंखें भर आई। कलप्पा का भी दुख से बुरा हाल था। कलप्पा बोला, सुजा अपना ख्याल रखना, मुझे भूल मत जाना। कलप्पा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम फिर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। कलप्पा बोला, सुजा मेरी जगह जंगल में है। इंसानों के बीच मुझे कहाँ रहने का मौका मिलेगा। सुजा भीगी आंखों से विदा होकर शहर की ओर चल पड़ा और अपने घर पहुंच गया। भगवान की कृपा से उसके माता पिता सुरक्षित थे। उसे बड़ी खुशी हुई। उसके माँ और बाबूजी भी सुजा को पाकर फूले नहीं समाए। बाबूजी ने बताया कि उस दिन ऐन वक्त पर पुलिस आ गई और दंगाइयों को पकड़कर ले गई। सुजा ने अपने जंगल के जीवन के बारे में भी बताया। सुजा को अपने दोस्त कलप्पा की बहुत याद आ रही थी। एक दिन एक मदारी भालू का नाच दिखाने आ गया। सुजा भी वहां पर पहुंच गया। भालू ने अचानक छलांग लगाई और दौड़कर सुजा के पास पहुंच गया। उसने सुजा को गले लगा लिया। सुजा भी उससे लिपट कर खेलने लगा। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान हो गए। वो भालू सुजा का दोस्त कलप्पा ही था। सुजा बोला, कलप्पा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। मदारी बोला, ए बच्चे क्या कर रहे हो, ये मेरा भालू है। सुजा ने अपने बाबूजी और माँ को बुला लिया। सुजा बोला, माँ और बाबूजी, यह मेरा कलप्पा है, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। सुजा की जिद के आगे सुजा के बाबूजी ने मदारी से कलप्पा को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। सुजा और कलप्पा की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। वो दोनों फिर से जो मिल गए थे। दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। राहुल नाम का एक नौजवान गांव की सड़क पर पैदल चला जा रहा था। उसने दूर सड़क के किनारे एक कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज सुनी। वो आगे बढ़ गया और उसने वहाँ का ये दृश्य देखा तो दुख से उसकी आंखें भर आईं। एक कुतिया वहीं मरी पड़ी थी और उसका बच्चा पिल्ला घायल अवस्था में उसके पास रो रहा था। वो समझ गया कि किसी गाड़ी के द्वारा ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। छोटे पिल्ले की जान बच गई थी, लेकिन वो भी घायल दिख रहा था। राहुल ने उस घायल पिल्ले को उठा लिया और घर लेकर आ गया। उसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई। राहुल अनाथ था और उसने एक अनाथ पिल्ले को अपना लिया। मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ये लो दूध पी लो। नन्हे पिल्ले की जान में जान आई और वो तेजी से दूध पीने लगा। कुछ देर के बाद राहुल ने उसे सहारा दिया और एक जगह बिठा दिया। राहुल को पिल्ले के रूप में एक साथी मिल गया। उसने उसका नाम रखा शेरू। शेरू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राहुल के साथ बहुत घुल मिल गया। राहुल जहाँ जहाँ जाता, शेरू भी उसके पीछे आ जाता। एक दिन राहुल जिस कंपनी में काम करता था, उसके सेठ परमानंद राहुल के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने राहुल के साथ शेरू को देखा, जो बनिया की दुकान से सामान की थैली मुंह में लटका कर आ रहा था। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ सेठ जी, ये शेरू है, बड़ा ही समझदार और वफादार है। राहुल, इसे मुझे भेज दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सेठ जी, क्षमा करिए। विचार कर लो, जब भी बात समझ में आए मुझसे मुंह मांगी रकम ले लेना। एक दिन राहुल जरूरी काम से मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत दूर जाने के लिए तैयार हुआ। शेरू कहाँ पीछे रहने वाला था, दौड़ कर आ गया और भौंक कर अपनी भाषा में अपनी फरमाइश सुनाने लगा। देखो शेरू, आज मुझे बहुत दूर जाना है, लौटने में काफी समय लग जाएगा, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। शेरू ने राहुल की बात नहीं मानी और जिद करने लगा। शेरू तुम बहुत समझदार हो, हमेशा मेरी बात मान लेते हो, लेकिन आज जिद क्यों कर रहे हो? जैसे कह रहा था, मुझे लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। शेरू की जिद के आगे राहुल को झुकना ही पड़ा। राहुल ने उसे अपने साथ बिठा लिया और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी।
राहुल को पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए वो बाइक को तेजी से चलाने लगा। शेरू उसे भौंक कर आहिस्ता चलने का इशारा करने लगा। राहुल तेज गति से बाइक चलाता गया। अचानक सामने एक सुअर आ गया, मोटरसाइकिल उससे टकरा कर घसीटती हुई चली गई। राहुल और शेरू दूर जाकर सड़क के किनारे गिर पड़े। राहुल को काफी चोटें आईं और वो सड़क के किनारे बेहोश हो गया। शेरू भी घायल हुआ लेकिन उठ खड़ा हुआ। वो चलकर अपने मालिक राहुल के पास पहुंच गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राहुल को होश नहीं आया, उसके जख्मों से खून बह रहा था। शेरू को अपने मालिक की फिक्र हो गई। उसकी जिंदगी बचाने वाला राहुल आज जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा था। शेरू दौड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया, गाड़ियों को रुकाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसके मुंह में राहुल का खून से सना हुआ लाल रंग का रुमाल था, जिसे दिखाकर वो आने वाली गाड़ियों को रुकाना चाहता था। कुछ गाड़ियां रुकी नहीं, चली गईं, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। एक गाड़ी रुक गई। शेरू कार चालक को लेकर राहुल के पास पहुंच गया। ओह, ये तो बहुत घायल है, बेहोश भी है। अरे तुम भी तो घायल हो, अपने दर्द भूलकर अपने मालिक को बचाने में लगे हो। चलो मैं तुम्हारे मालिक को हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब हॉस्पिटल कर्मचारी राहुल को अंदर लेकर जाने लगे तो उनके रोकने पर भी शेरू अंदर चला गया। वो अपने दोस्त राहुल का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। जब डिस्चार्ज का वक्त आया तो डॉक्टर ने राहुल को लंबा बिल पकड़ा दिया। राहुल को राशि देखकर चक्कर आ गया। उसने झट से अपने सेठ के नाम एक चिट्ठी लिखी और शेरू के मुंह में पकड़ा दी। शेरू, ये चिट्ठी ले जाकर मेरे सेठ जी को दे देना, वो आकर हॉस्पिटल का बिल भर देंगे, तभी मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। शेरू ने मुंह से चिट्ठी पकड़ी और सेठ जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी ने उसके मुंह से चिट्ठी ले ली और पढ़कर मुस्कुराने लगे। देखो शेरू, मैं तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल का बिल भर दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, बोलो मंजूर है? सेठ जी की बात सुनकर शेरू को अपने बचपन की याद आ गई, जब उसे घायल अवस्था में राहुल ने सड़क से उठाकर उसका इलाज किया था और अपने घर में शरण दी थी। शेरू ने तुरंत कुत्ते को पहनाने वाला पट्टा जो पास में रखा था मुंह से उठाकर लाकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी समझ गए, उन्होंने शेरू को अपने घर में बांध लिया और कार से जाकर राहुल के हॉस्पिटल का बिल भी अदा कर दिया। राहुल को इस बात की जानकारी हो गई कि उसका प्यारा शेरू अपने आप को बेचकर सेठ द्वारा हॉस्पिटल के बिल को अदा करवा चुका है। राहुल घर में पहुंचकर शेरू की अनुपस्थिति में बहुत दुखी हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया। वो सेठ जी के घर पहुंच गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका प्यारा शेरू पट्टे से बंधा हुआ था। उसके सामने खाना रखा था लेकिन वो खा नहीं रहा था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात एक चोर सेठ जी के घर में चोरी के इरादे से आ गया। शेरू ने उसे देख लिया, वो कुछ न बोला। उसने धीरे से जाकर सेठ जी को उठाया और इशारे से बताया। इस बीच चोर ने बहुत सारा गहना चुरा लिया था। सेठ जी जब डंडा लेकर बाहर आए तब चोर ने उन्हें चाकू दिखाया तो वो डर गए। शेरू ने चोर के ऊपर कूद कर उसके चाकू को छीन लिया, उसे काटने लगा। नौकर भी जाकर आ गए और चोर को पकड़ लिया गया। सेठ जी बहुत खुश हो गए। शेरू, तुमने चोर से मेरी जान बचाई और धन भी बचाया, मैं तुम्हारे ऊपर खुश होकर तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं अभी राहुल को बुलवाता हूँ। कुछ देर के बाद राहुल सेठ जी के समक्ष खड़ा था। राहुल, मैं तुम्हारे शेरू की बहादुरी से बहुत खुश हूँ और इसे आजाद करता हूँ। आज से इसके मालिक तुम ही रहोगे। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बिना और तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो। इतना कहकर सेठ जी ने शेरू को इशारा किया और शेरू दौड़कर राहुल से लिपट गया।